माइनस बी डिवाइडेड बाई आर टू दर फाइव तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास देखो आर का फंक्शन है ए और भी कुछ कांस्टेंट रहे होंगे तो अगर इसको मिनिमम करना है किसी भी फंक्शन को मिनिमम करना है मतलब कि फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर दो फंक्शन हमारे पास आर का फंक्शन था जो पोटेंशियल एनर्जी था तो मैंने आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करके यहाँ से मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर du यू बाई डी निकालोगे तो एक बार मैं यू को ऐसे लिख सकता हूं देखो ए इंटू आर टू पावर माइनस टेन ऊपर जाएगा माइनस टेन हो जाएगा माइनस बी इंटू आर टू दी पावर माइनस फाइव हो जाएगा अब इसको मैं आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन बाहर आ जाएगा इंटू आर टू दि पावर माइनस टेन माइनस वन माइनस अलेवन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास देखो बी इंटू फाइव इंटू आर टू माइनस सिक्स हो जाएगा डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट कर दिया वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन ए यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये वैल्यू हो जाएगी करना था इसको इस डिफ्रेंसिएशन को मैं किसके बराबर कर दूंगा जीरो के बराबर तो आप देखोगे डी यू बाई डी आर को जीरो के बराबर कर दो तो जैसे जीरो के बराबर करोगे वैल्यू है टेन ए डिडेड बाई आर टू पावर अलेवन प्लस डिवाइडेड टू दी पावर इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि टेन ए बाई आर टू दावर अलेवन इजल्स टू फाइव बी डिवाइडेड बाई आर टू दावर सिक्स कैंसिल होगा ये आर टू दी पावर सिक्स से आर टू दी पावर अलेवन कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली बचेगा आर टू दी पावर फाइव ये फाइव से कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा टू तो यहाँ से देखोगे टू डिवाइडेड बाई आर टू दी पावर फाइव

तो ये हमारे पास आर का टू ए बाई बी टू दी पावर वन बाई फाइव थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर